press the bell icon on the YouTube app to never miss a video from News Laundry. नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। व्हाट्सएप पर मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और कुछ बुद्धिजीवियों की जासूसी का मामला इस समय बेहद चर्चा में है। व्हाट्सएप के जरिए इसका खुलासा होने के बाद इस तरह की बहसें तेज हो चुकी हैं कि क्या कोई है जो अपने ही लोगों, अपने ही नागरिकों की जासूसी करवा रहा है, या कौन लोग इसके पीछे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल बन गया है। आरएसएस के विचारक और पूर्व भाजपा नेता गोविंदाचार्य अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है कि इस पूरे मामले की जाँच NIA से कराई जाए। हमारे साथ खुद गोविंदाचार्य जी मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका न्यूज़ लॉन्ड्री पे। मेरा पहला सवाल ही आपसे ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जाने की ज़रूरत आपको क्यों महसूस हुई, क्योंकि सरकार तो खुद ही व्हाट्सएप के अधिकारियों से जवाब मांग चुकी है, उनकी जवाबदेही के लिए उसने उनको नोटिस भेज रखा है। इसका व्यापक परिप्रेक्ष्य सामने आना चाहिए जी, और ये समझ कर इसमें व्हाट्सएप के बारे में, फेसबुक के बारे में, इंटरनेट के बारे में, गूगल के बारे में हम लोग 2012 से ही लगे हैं जी, और उसमें बहुत तरह के निर्देश भी लिए हैं, प्राप्त किए हैं कोर्ट से, और हम चाहते हैं कि निर्देशों का पालन हुआ होता तो ऐसी दुर्घटना जो अभी दिखाई पड़ी है वो टाली जा सकती थी, नहीं होती। अभी भी मौका है। सबसे पहले तो लॉज ऑफ द लैंड के लिए अकाउंटेबल बनाना पहली ज़रूरत है, उसके बगैर आप कैलिफोर्निया कितना दौड़ेंगे। और उसके लिए आवश्यक था जो शुरू से हम लोग कह रहे हैं कि सर्वर भारत में होना चाहिए, नोडल ऑफिसर भारत में होना चाहिए, और इसके साथ साथ हम उनको यहाँ पर अकाउंटेबल बना सके इसके लिए एक रिवांस ऑफिशियल होना चाहिए जी। आज ये लोग धोखाधड़ी करते हैं और ये लोग बात बनाते हैं और कर देते हैं कि आयरलैंड में हमारा है कस्टमर के, कौन यहाँ से करेगा और सिग्नेचर कहाँ तक है हो पाएगा। इसलिए हम लोगों ने व्यापक परिप्रेक्ष्य में राइट टू चाहे प्राइवेसी हो, चाहे नेशनल सिक्योरिटी हो या टैक्स इवेजन हो, इन सब दृष्टि से, और इसका पॉलिटिक्स पर भी क्या असर पड़ सकता है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ सकता है, इन सब को एंटिसिपेट करते हुए हम लोगों ने निर्देशों के पालन कराने का आग्रह किया जी। अब कल ही श्री रविशंकर प्रसाद जी बोले हैं डाटा इंपीरियलिज्म को हम सहन नहीं करेंगे, डाटा मोनोपोली को हम सहन नहीं करेंगे। भैया ये तो 6 साल पहले भी यही बात बोल रहे थे, उसमें हुआ क्या, आगे क्या हुआ। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें सेटलिंग दिस कोर्स व्हाट्सएप वर्सेस गवर्नमेंट ऐसा क्यों हो। मैं चाहता हूँ कि अब व्हाट्सएप का वहाँ चल रहा है साहब, हम चाहते हैं कि भारत की सरकार एक तो इन्वेस्टिगेशन तो करे। इसमें 3-4 पक्ष हुए ना, NSO एक हुआ, पेगासस एक हुआ, और इंटरनेट कंपनीज एक हुई, उसके बाद जो विक्टिम्स हैं। तो इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है कि सरकार ने व्हाट्सएप से जवाब मांगा है, आप भी याचिका जो हमारा कहना है कि सरकार को चाहिए कि कार्रवाई करे, एक्शन ले, FIR करे, और फेसबुक और सबको घसीट करके भारत की जमीन पर अकाउंटेबल बनाया जाए। लेकिन इसमें एक पक्ष है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, जो NSO ग्रुप है जो ये सॉफ्टवेयर बनाती है पेगासस जासूसी वाला, असल भूमिका उसकी है। और जिस तरह से ये मामला खुल के अब तक सामने आया है उसमें ये है कि व्हाट्सएप की भी उस तरह की भूमिका सामने नहीं आई है। ये लग रहा है शायद कि व्हाट्सएप भी इस मामले में एक तरह का पीड़ित है कि कोई उसके सिस्टम में घुस गया और उसको ब्रीच किया है। नहीं, पता नहीं, पहले तो उन्होंने, उनको तो मालूम था, उन्होंने कम्युनिकेट क्यों नहीं किया। उन्होंने कम्युनिकेट किया मतलब अपने कब किया, यूज कर रहे हैं आप देखिए, आपसे 1 महीने पहले, 15 मई महीने में उनको प्राप्त हो गया, हाँ सितंबर महीने में उन्होंने किया जी, इसकी क्या जरूरत थी इस पर प्रॉम्प्ट, वो भी तो करते, उनके अकाउंटेबिलिटी नहीं थी क्या। इसलिए हमारा कहना है कि इसमें एक पहलू प्राइवेसी वाला है, सिक्योरिटी का एक और पहलू है, टैक्सेबिलिटी का तीसरा पहलू है, अकाउंटेबिलिटी जिसको आप कह सकते हैं, और इसमें सरकारों का कुछ रोल है। उसमें दोषारोपण के बजाय हम इसमें आगे तो बढ़ें, अभी आगे न बढ़कर बयानबाजी तक होकर बात सीमित रह जा रही है। पर फिर एक चीज फिर भी मिसिंग लग रही है, जो सरकार का जो पूरा रवैया इस पूरे उसके बाद सामने आया उसमें, कि
असल में जो कल जो जिम्मेदार है उससे सवाल पूछने की अभी तक कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है? जो NSO ग्रुप है जो ये बनाता है उससे सवाल पूछने या उसको इस पूरे दायरे में लाने की कोई कोशिश अभी तक नहीं की गई? तो आपको लगता है कि शायद ये एक चीज होनी चाहिए? मैं कहता हूँ कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन तो हो जी, और हम मानते हैं सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में वो इन्वेस्टिगेशन हो NIA का, तब तो कुछ उसमें से बात निकले। और उससे भी ज़्यादा प्रमुख है कि अभी तक भी जो किया जा सकता है सरकार की ओर से कई तरह के निर्देश पालन के किए जा सकते हैं। जैसे अब सारे ही सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्देश तो हो चुका कोर्ट का कि NIC और ऐसे ही साधनों का उपयोग किया जाए, लेकिन कहाँ एम्प्लॉइज उसको करते हैं, इस पर निगरानी की क्या व्यवस्था है सरकार की ओर से? इसलिए बहुत सी चीज़ें पुख्ता जो सरकार को करनी थी 2012 से लेकर अब तक, उसमें छोटे मोटे निर्देश होकर रह गए जी। अब इलेक्शन कमीशन ही है भैया, वो भी NIC का सहारा क्यों न ले, वो गूगल से क्यों पूछताछ करने की कोशिश करे? दो तीन चीज़ों का आपने जिक्र किया जो टैक्सेशन से के कंपनियों के जुड़े मामले हैं कर वाले, उन सब पे भी आएंगे, लेकिन इस मामले में थोड़ा सा एक और दो चीज़ें हैं आपसे जो समझना चाहता हूँ मैं। NSO ग्रुप का जो मामला है, जब ये पूरा प्रकरण सामने आया और अमेरिका में इसमें मामले दर्ज हुआ, तो NSO ग्रुप की तरफ से जो आधिकारिक बयान दर्ज आया उसमें उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से सेफ और ऐसे सुरक्षित संस्थान हैं जिसका कोई मिसयूज़ नहीं कर सकता, हम सिर्फ सरकारी एजेंसियों और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों को ही अपने सॉफ्टवेयर बेचते हैं। तो इस बयान के इर्द गिर्द जो हमारे यहाँ जासूसी हुई या जिन लोगों के बातें सामने आई कि इनकी शायद जासूसी की गई व्हाट्सएप पे, आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि कौन लोग हो सकते हैं जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया होगा? मालूम नहीं, इसके लिए मैं फिर कहता हूँ कि न तो ब्लेम गेम हो न एक्यूजेशन किसी के लिए हो, जो स्थिति बन गई है। अब आप सोचिए ना, जो विक्टिम्स हैं वो खुद विक्टिम्स होने के बाद उन्होंने क्या क्या एक्शन इस बीच लिए हैं, क्या FIR फाइल की, कहीं वो कहीं कचहरी में गए, कहीं थाने में गए, अभी तक की नॉलेज में तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। और दूसरा, इसमें ज़्यादा कल्प्रिट बड़ा व्हाट्सएप इस महीने में भी है, उसके तो 40 करोड़ लोग हैं यूज़र्स। अब व्हाट्सएप को आप देखिएगा तो उसने कहा था इंक्रिप्शन है, उसने कहा था कि दोनों छोरों पर हमने ब्लॉक इस प्रकार सील कर दिया कि कोई बातचीत सुनेगा नहीं। इसके बाद ये सब हुआ, उनको मालूम है, तो जो प्रॉम्प्ट एक्शन उनको लेना था वो कौन सी, इसलिए उन परिस्थितियों को देखा जाना पड़ेगा जिसमें वो कैलिफोर्निया में गए हैं। वो कौन सी परिस्थितियाँ थी जिसमें वो कैलिफोर्निया में गए हैं और इतना किया, और अभी भी कितने लोग उसमें विक्टिम्स हुए हैं कुछ नहीं मालूम है जी। हाँ, मतलब अभी भी संख्या बढ़ती जा रही है, पता ही नहीं है 1600 है कि 3600 है कि 21 है कह रहे हैं ना, बात इतनी नहीं है जी। इसलिए ये मामला सीरियस है, सिक्योरिटी का भी बाकी भी है, इसमें सबको अपना रोल निभाना पड़ेगा। इसके लिए शुरुआत होनी चाहिए कि हम इन्वेस्टिगेशन की ओर तो जाएं, पहले कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हो रहा है तो जो कि अभी सरकार की तरफ से शायद मिसिंग लग रहा है, या अभी तो खाली बोल रहे हैं, बोलने तो हम 6 साल से बोलना तो सुन ही रहे हैं, डाटा इंपीरियलिज्म की बात कहिए या जो भी कहिए। पर एक चीज़ लगता है सर कि मतलब आप ज़्यादा बेहतर तरीके से इसका जवाब दे पाएंगे, सरकार जो है इस समय जो सत्ता में है उससे आपका एक नज़दीकी जुड़ाव है, तो कहाँ, हम तो कभी नहीं गए, मतलब फिर पूर्व में आपके जैसे आप पूर्व में पार्टी से जुड़े रहे हैं, तो पूर्व की बात अब कब तक आप लेंगे। 2000 में हमने छुट्टी ली जी भाजपा से अध्ययन अवकाश के लिए। तो आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ही आप उम्मीद है जो कि जहां पे अपील की जा सकती सरकार, तो प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी है इसी संदर्भ में, पहले भी कोई जवाब, निर्मला सीतारमन को भी उन्होंने लिखा था हाल फिलहाल में, और प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी थी, लेकिन बात तो अभी तो कुछ दिखाई नहीं पड़ी, ग्राउंड लेवल पर कुछ होता। हमने रविशंकर जी को चिट्ठी लिखी अभी सबसे ताजा, उनको उन लोगों का कोई जवाब आया प्रधानमंत्री जी का? नहीं, वो सोच रहे होंगे। अच्छा, अभी कोई उस तरह का मेरे पास तो जवाब नहीं है जी। आपने जिक्र शुरुआत में किया सर कि पहले भी बहुत सारी कंपनियों का, आपने फेसबुक को और इसी तरह से आपने गूगल को किया था, और लगता है क्यों आपको लगता है कि ये कंपनियां टैक्स के मामले में हेरफेर कर रही हैं, भारतीय कानूनों का उल्लंघन कर रही हैं? क्यों, सीधी बात है जी, हबिस होगी मुनाफा कमाने की, हमेशा कैपिटलिज्म और बाकी में तो बात ही आती है ना कि जानवराना उपभोग ही मोक्ष है, मुनाफा ही मूल्य है, और पूंजी भगवान है। इसी आधार पर वो लोग सारे नैतिकता को ताक में रखकर, अब जैसे बिजनेस वर्ल्ड में एक बार देखा,
उसमें था कि ये तो टैक्स देते हैं 7,000 करोड़ पर गूगल वाले जी, जबकि इनका कारोबार तो बहुत बड़ा है और कमाई है 4,29,000 करोड़ वही बता रहे हैं। और जब हम लोगों ने हल्ला वल्ला किया तो अगली बार बिजनेस वर्ल्ड में वो डाटा नॉट अवेलेबल हो गया गूगल का। अच्छा, इसलिए कितनी बड़ी धोखाधड़ी है उसका डायमेंशन समझें, और ये लोग नो होल्ड्स बार्ड मुनाफा कमाने के चक्कर में रहते हैं ये समझें। और हमारा कहना है कि उनको वो वैसे हैं मानकर हम अपने बचाव की और उनको ठिकाने लगाने की व्यवस्था तो करें, केवल उनको दोष देते रहेंगे तो कैसे चलेगा। हमारा आग्रह है कि उनको लॉस ऑफ द लैंड अबाइड करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाए, जो व्यवस्थाएं हैं उनका भरपूर इस्तेमाल किया जाए। ठीक बात, दोनों नहीं हो रहा है तो इसमें कितना हद तक आप सरकार को जिम्मेदार मानते हैं? अब जिम्मेदार मानना क्या, सभी लोग जिम्मेदार हैं। अब इस पर जितना जन दबाव बनना चाहिए उसमें ये विषय ऐसा रहता है ना कि इसमें सर्वसाधारण तक समझ में नहीं आता है, केवल अभी इतना समझ में अब आ जाएगा कि व्हाट्सएप वाले धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और दोनों सिरे से हुई बातचीत अब सेफ नहीं है, इतना भर समझ अब जनता में बनेगी। लेकिन अभी भी उनको कटघरे में खड़े करने में तो अभी देर है। देर है, ठीक बात है। एक और सवाल बस इसी से, ये जो फेसबुक और इन तमाम कंपनियों के जुड़े मामले आप उठाते रहे लगातार, इसके अलावा भी कुछ टेक कंपनियां हैं जिस पर आप लगातार 2012 से जिसका जिक्र करें, तो इसमें किसी तरह की अब तक की आपका जो कामकाज है उसमें किसी तरह की सफलता या कोई एक्चुअल गड़बड़ी पकड़ में आई कहीं, या कहीं हुआ? छोटी छोटी बातें तो हुई हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन ने सबसे पहले सभी प्रत्याशियों का आधिकारिक ईमेल होना चाहिए इस पर आग्रह किया और वो हुआ भी। अच्छा, ऐसी छोटी छोटी कई बातें हो तो गई हैं, लेकिन उससे कहीं है काम चलेगा। कोर इश्यू है इन सब को लॉज ऑफ द लैंड के लिए अबाइड करना, उसके लिए सर्वर यहाँ आना, एक नोडल ऑफिसर होना और एक ग्रीवांस ऑफिशियल होना जी। इतना तो पहली ज़रूरत है। तो चूंकि आप लंबे समय इसमें, पार्टियों का कोई रोल नहीं है ये तो आप बता रहे हैं 12 उससे पहले से, तो आपको क्या लगता है कि सरकारें या जो किसी भी पार्टी की सरकार देश में आई हो वो क्यों, ये बहुत बेसिक चीज़ है कि कोई भी कंपनी विदेशी हो चाहे देसी हो काम कर रहे तो वो इस देश के नियम कानूनों के तहत काम करे, उसके जो बने हुए, ये क्यों नहीं करवा पाती गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियों से? शायद पता नहीं मुझे, एक सत्ता तंत्र में एक इनहेरेंट शायद लेथार्जी होती है जी, मैं तो बहुत बड़ा दोष उसको मानता हूँ। दूसरा मानता हूँ कि सोशल सेंसिटिविटी उसका अभाव रहता है, बाकी तो संविधान में कहे हुए शब्द इक्वालिटी बिफोर लॉ वगैरह वगैरह चलता है, फ्रेटर्निटी इक्वालिटी, लेकिन उससे काम नहीं चलता है, जो दिखाई पड़ता है ना उसमें हैसियतमंद निकल जाते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है छोटे छोटे अपने व्यवहार हों, जैसे अरे भैया गूगल होगा अपने स्तर पर बहुत बड़ी मोटी कंपनी, उसी प्रकार होगी फेसबुक, तो जरूरी है क्या कि प्रधानमंत्री उनसे मिले या उनसे बात करें? अरे अपने यहाँ के ही आईटी मिनिस्टर हैं, बाकी लोग हैं, नहीं तो भारत के संदर्भ में क्या होता है कि अरे भैया ये तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं जी, तो ऑफिसर्स भी सहम जाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी जो आवश्यक कार्रवाई करनी है, ये चलन है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर जो अंकुश लगाने की बात है उसमें एक एक कदम आगे बढ़े। कुछ घटनाएं हैं ऐसी जो इसको गति देंगी, मैं मानता हूँ। जो लेथार्जिक आप जिस शब्द का जिक्र किया आपने, ऐसा है कि चूंकि आम जनजीवन से ही नेता भी निकल के आ रहे हैं और वो उसी संस्कृति से आ रहे हैं, तो हमारे यहाँ एक समस्या ये है कि चाहे डाटा को लेकर ही बात की जाए कि जो हमारे डाटा के प्राइवेसी का मामला है, बड़ी संख्या में अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए प्रधानमंत्री ने भाषण दिया अमेरिका में, वहाँ पर जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात थी, उन्होंने कहा कि डाटा इज़ न्यू गोल्ड, तो और हमारा डाटा सबसे सस्ता अवेलेबल उस पर है पूरी दुनिया में। इस बयान को कैसे, क्योंकि अब ये सारा मामला टेक कंपनियों उसके जरिए डाटा, और डाटा वास्तव में लोगों के प्राइवेसी से जुड़ा मामला है, आपके सोच विचार रहन सहन सब पे असर डाला जा रहा है उसके जरिए, तो प्रधानमंत्री के इस बयान के संदर्भ में आपको लगता है कि बहुत ही जो हमारे जैसे देश हैं जहाँ पर सिस्टम इतना मजबूत नहीं है, संस्थान इतने ताकतवर नहीं, वहाँ पर इस तरह से कैजुअल अप्रोच लेना डाटा जैसी चीज़ों के लिए बहुत खतरनाक है? इसमें दिक्कत तो बहुत ज़्यादा है भी और आगे भी संभावना आशंका सब है, मगर मैं मानता हूँ कि इसके लिए मूलतः अपनी दृष्टि रहे, दो तीन दृष्टियों की ज़रूरत है ऐसा मुझे लगता है। एक तो है कि भारत से लिखा बड़ा देश, ये डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि हम आइसोलेशन में चले जाएंगे जी एक्शन लेने से, उल्टा है।
एक छठा भाग है दुनिया की आबादी का भारत जी। चाहेंगे तो भी आइसोलेट नहीं हो सकता है। ठीक। दूसरा, भारत की अपनी ताकत है, उस ताकत पर भरोसा रखें, सप्लीमेंट विदेश की सहायता या सहयोग पर रखें, तब तो बात बनेगी। इसमें शुरू में अपने ऊपर विश्वास न करके दूसरों पर विश्वास ज़्यादा करें, ये मानसिकता ठीक नहीं है। इसलिए इस मनोरचना में देश में सुधार आ रहा है, लेकिन और सुधार होने की ज़रूरत है सामान्य लोगों में भी, जिसको विटामिन्स बर्डन कहा जाता है उसे रिवर्स कहिएगा, तो उस सबसे मुक्त होने की आवश्यकता है मानसिकता को। उसके लिए बहुत से पहलू हैं, शिक्षा भी है और भी है। तो ये मामला जो है अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने में ये याचिका सुनवाई के लिए तय हो गई है? अभी तो देखिए, हमने याचिका अभी तो दिया है, प्रस्तुत किया है, और मुझे लगता है कि इसमें इतनी इम्पोर्टेंट तो अभी वक्त निकल जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अब इसके बाद मेरा ख्याल है कि एक 3-4 महीने में सुनवाई पर आएगा, और तब तक और आगे करें। एक और महत्वपूर्ण विषय है जो कि आपके कामकाज और तमाम जो का दायरा है उससे बहुत करीबी उसका संबंध है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP का मामला। भारत अभी इस समझौते से अलग हो गया जी, जी। और लंबे समय से इसकी रूपरेखा बन रही थी ये वो, और संघ का ये निकल के बात आई कि इसके इसमें शामिल होने के खिलाफ एक रुख था। स्वदेशी जागरण मंच इसको ओपनली, जो लोग स्वदेशी जागरण मंच जुड़े हैं वो लोग इसका विरोध कर रहे थे। तो मैं इस चीज़ को एक पर्सपेक्टिव में देखना चाह रहा हूँ कि स्वदेशी जागरण मंच हमेशा से मतलब एक एक काउंटर व्यू लेता रहा है सरकार के नज़रिए का। जब आप स्वदेशी जागरण मंच में थे और उस समय भी ये हम सुनते थे पढ़ते थे कि चूँकि अब बाज़ार तो खुल ही गया था, भारत उदारीकरण के बाद क्या बात है, तो स्वदेशी जागरण में जब आप उसके संयोजक थे और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तमाम विषयों पर जब टकराव या मतभेद होते थे तो ये कहा जाता था कि स्वदेशी जागरण मंच की बात अटल बिहारी वाजपेयी नहीं सुनते हैं। आज की स्थिति में हमने देखा कि स्वदेशी जागरण मंच ने एक स्टैंड लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर एक पीछे कदम खींचा। तो ये एक एक स्थिति में कुछ बदलाव आया है, मैं मानता हूँ, क्योंकि मोदी जितने मजबूत हैं अटल बिहारी वाजपेयी उतने मजबूत सरकार में नहीं थे। इसलिए मुझे लग रहा है कि इसमें किसी का प्रभाव और किसी की मजबूती ये कारण नहीं है, पहला तो ये समझना चाहिए। दूसरा, जो स्वदेशी जागरण मंच उस समय में हम लोग काम कर रहे थे और अटल जी की सरकार थी, तो भी संवाद तो होता था, लेकिन सरकार की ओर से प्रतिसाद बहुत कम मिला। और उसमें ऐसी बातचीत में लगता था तो और संवाद बढ़ाने की ज़रूरत है लगता था, और लोगों को लगता था कि उनके नौकरशाह ज़्यादा जानकार हैं बनिस्बत अमेचर लोगों के जी। ये भी एक फैक्टर रहा होगा, साइकोलॉजिकल फैक्टर रहा होगा, कि वो समझते थे कि सर्वज्ञ वही हैं, बाकी लोग तो ऐसे ही उल्टी हल्की फुल्की बात बोल रहे हैं। ऐसा होता है, मनोविज्ञान है। और सरकार कमज़ोर थी इसलिए भी मजबूरियां थी, मैं नहीं मानता उसमें, उस समय की स्थितियों में कोई जरूरी, उल्टा था, गठबंधन की सरकार थी। अच्छा, उल्टा मतलब? उस समय भी मैं ऐसा मानता हूँ कि जो सत्ता में लोग थे उनका पर्सपेक्टिव ओपनिंग अप द इकोनॉमी के बारे में नो होल्ड्स बार्ड वाली स्थितियों में वो जा रहे थे। हम लोग का सोचना था कि नहीं, WTO की ही बात है तो तोड़ो, पहले तो मोड़ो, तोड़ने की कोशिश करो, ऑन आवर टर्म्स लाने की कोशिश करो, नहीं होता है तो तोड़ो, नहीं होता है तो छोड़ो जी। मगर वो इंश्योरेंस सेक्टर में भी आप लोगों से बड़ी लड़ाई हुई, सबसे पहले हम लोगों की लड़ाई उसी पर हुई थी जी। और उसमें हमको जितना समझ में आया कि देखिए, या तो साथ बैठते हैं तो सही और गलत के आधार पर आप निर्णय पर आइए, ऐसा ना करें हमारी सुन लीजिए, जाके फिर आप मनमानी करिए, फिर कहिए कि सुन तो लिया था, तो इससे तो काम नहीं चलेगा ना। तो ऐसा कुछ अनुभव उस समय आता था जी। तो उसके जैसे पेटेंट लॉस की ही बात आई थी, सभी लोग असहमत थे, लेकिन अब MPs दस्तखत करने को तैयार नहीं थे, जिसमें कि भैया दस्तखत करो कि लॉस अनुकूल नहीं है, वो क्या कि सभी मुखापेक्षी हो गए थे, अटल जी अडवाणी से दस्तखत करा लीजिए। 91 की बात है जब विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात आई थी, तो उस समय में BJP के अंदर प्रस्ताव तो हो जाए, तो प्रस्ताव नहीं हो पाया था,
और प्रस्ताव होने और निर्णय करने में भूमिका अटल जी अडवाणी जी की होती थी। तो अब क्या बदल गया कि मतलब अब ऐसा बदला है सरकार जो इकोनॉमी का जो दक्षिणपंथी जो मुझे लग रहा है कि और यहाँ कुछ लगता है कि अब शीर्ष सत्ता के ऊपर कुछ हद तक संवाद बेहतर और प्रभाव उत्पन्न करने वाले तत्व भी कुछ मजबूत हुए हैं, ऐसा ही कहा जा सकता है। और ये जो विषय था, इस विषय के बारे में तो हम लोग पहले से कह रहे थे कि भैया हड़बड़ नहीं करो। आपको याद होगा WTO में जब एग्रीकल्चर को इंक्लूड करने की बात आई थी जी, तब भी हम लोगों ने हल्ला मचाया था कि भैया ऐसी स्थिति नहीं है। सब्सिडी की बात जब आई थी तब भी हल्ला मचाया था कि भैया वो लोग तो ऐसी सब्सिडी देते ही हैं और उनके लिए खेती का कहाँ महत्व है, तब उनके आधार पर मत चलिए। तो उस समय भी हम लोग झोला छाप माने जाते थे, जो पहले वामपंथियों के लिए झोला छाप कहा जाता था। तो कांग्रेस का खैर जमाना था तो सरकारों में, ठीक है, अभी सरकार में कम से इस बातचीत होकर हम लोग बहुत पहले से इस पर होमवर्क करते रहे हैं। और केवल स्वदेशी जागरण मंच नहीं, सभी ट्रेड यूनियंस और सभी विचारधाराओं के किसान संगठन और कई तरह के स्वदेशी एक्टिविस्ट्स, ये सब लोगों ने मिलकर प्रेशर बनाया है। हाँ, तो ये और ये मिलकर प्रेशर बनाने से मेरा अनुमान है कि चलो कम से कम देर आए दुरुस्त आए। ये एक ऐसा मामला नहीं उभर कर सामने आया जिसमें पहली बार ऐसा लगा कि दक्षिण, वाम और सेंटर तीनों तरह की विचारधाराएं एक मंच पर थी कि RCEP में नहीं जुड़ना चाहिए भारत को। स्वदेशी आंदोलन, राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन, ये सब भी उसी में लगे हुए थे। तो मेरा एक अगला सवाल है सर कि RCEP से अलग होकर भारत ने अपने हितों की रक्षा की है या फिर एक बड़े मौके से चूक गया भारत के इतने बड़े बाजार। देखिए बायलैटरल तो कई देशों से अभी भी चला है बायलैटरल, और पुष्ट करने की जरूरत है बायलैटरल आपको। हाँ, करना है और उसमें बहुत लाभ होगा और उसमें हमारे हितों की भी तो रक्षा होगी। अब आप खुद देखिए ना, चाहे फिलीपाइंस हो चाहे वियतनाम हो, सब हो, नारियल का काम है, ऑयल सीड्स का काम है। अब देखिए निर्भरता हमारी ऑयल सीड्स के संदर्भ में, ऑयल के बारे में कितनी बढ़ गई है, और हमारे नारियल उद्योग और जूट उद्योग सब कितने कष्ट में आ गए हैं। इसलिए हमको अपने देश का हित का विचार करके ही आगे बढ़ना चाहिए। एक समय था जब मल्टीलैटरल की बात थी, अब बड़े बड़े देशों ने मल्टीलैटरल टर्म्स को WTO के माध्यम से चूस लिया। अब उनकी रुचि WTO में नहीं है और वो अपने टर्म्स पर चाहते हैं। वही अमेरिका भल्ला कर रहा है, उनके हितों का नुकसान हो रहा है। अब वो सबसे बायलैटरल कर रहा है और अभी आप कहेंगे कि अब मुझे ऐसा व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि इस झंझट में जल्दीबाजी में जाना ही नहीं चाहिए था। ठीक बात है, और इसको आप ज़्यादा महत्व दे दिए उसके कारण बाकी लोग आपके मार्केट के प्रति उत्साहित हो गए और इसके कारण वो आगे बढ़ आए। अब आपने ऐन समय पर अपने को अलग कर लिया तो बाकी 14 को चीन के मत्थे डाल दिया, इससे तो चीन का पॉलिटिकली भी कहिएगा फायदा ही हुआ, फायदा हुआ ना? एक और चीज़ लेकिन सर यहाँ पे आती है कि जब ये चीज़ को एक दूसरे तरह से मैनेज किया जा सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री का वहाँ जाना एक दूसरा संदेश था कि जब प्रधानमंत्री शामिल ही हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि अब शायद दस्तखत करना ही है। इसको दूसरे तरीके से भी हैंडल किया जा सकता था कि अब जब हमें नहीं उसमें शामिल होना है तो हम पहले से यहाँ से घोषणा कर सकते थे आधिकारिक तौर पे और जाने की वहाँ नौबत आती, ये सब हाइप नहीं क्रिएट होता। लेकिन उनको लगा कि चलो लास्ट डील कर लेंगे, लास्ट मिनट रिस्पॉन्स रैशनल हो गया, अच्छी बात है, कही हो गया। ठीक बात, एक और आखिरी सवाल बस मैं इसी मामले पर आपसे समझ, क्योंकि खुला बाजार आज के दौर का बहुत बड़ा सच है, ओपन मार्केट इकोनॉमी, सारी अर्थव्यवस्थाएं आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से प्रभावित होती हैं। कितनी ओपन है इस पर भी तो मुझे संदेह है। इसलिए देखिए इंटरनेशनल एरेना में माइट इज राइट होने लगता है। आज भी अमेरिका कितना ओपन किया, चाइना बहुत सारी चीजों को डिक्टेट कर रहा है। इसलिए देखिए इस पर तो जब बात होनी होगी तो केवल इकोनॉमी की बात नहीं होनी होगी, कॉम्प्रिहेंसिवली इंटरनेशनल रिलेशंस में हम इक्वालिटी की बात करते हैं। तो आप तो सुविधा से WTO का बनाते हैं तो हर देश को एक एक वोट दे देते हैं। अब भारी भरकम चीन और भारत है, चीन तो बाद में आया है WTO में, 100 करोड़ के देश को भी एक वोट है और माली को भी एक वोट है। तो मुझे एक छोटा सा बस ये समझना कि इस सच्चाई को देखते हुए खुले बाजार की संरक्षणवादी जो भारत की नीति है अभी तक, RCEP से अलग होना भी उसी का एक, संरक्षणवादी कब तक हमको चलाना चाहिए? संरक्षणवादी नीति नहीं रही है,
आरसीईपी से अलग होना आपको नहीं लगता कि भारतीय हितों को ही बचाने की कोशिश थी? ये तो अकलमंदी का काम किया है। हाँ, तो ये आइसोलेशन कहाँ है? अगर आइसोलेशन के तो डर की जरूरत नहीं है जी। भारत को दुनिया की कम जरूरत है, दुनिया को भारत की ज्यादा जरूरत है। सच्चाई तो यही है आर्थिक क्षेत्र में भी। अब तो बाजार के क्षेत्र में तो स्पष्ट होने ही लगा है सबको। यूरोप से बड़ा मार्केट तो भारत ही का है, और चीन में लोग जाने में थोड़ा हदसते हैं, भारत में तो लोग ऐसे नहीं हैं। शायद ये भी एक वजह है क्योंकि लोकतंत्र वहाँ पे नहीं है उस तरह का जितना। शायद ये भी एक कारण होगा, जरूर कारण होगा। वहाँ का पता ही नहीं चलता है ना अंदर क्या हो रहा है, बाहर के लोगों को जो खबर है वो सब कितना अंतर है पता ही नहीं चलता है ना। इसलिए हमको अपनी शर्तों पर आगे बढ़ना और अवर टर्म्स जो हो सके सहयोग करना और सहयोग लेना चाहिए। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। आइसोलेशन नाम की कोई चीज़ भारत के लिए हो ही नहीं सकती, ये कल्पना की बात है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।